अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं नुमान फरीद। आज हम बात करेंगे दांत निकलने पर बच्चे काटते क्यों हैं। ख्वातीन के लिए बहुत ही ज़रूरी मालूमात है। जब नन्हे मुन्ने बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं तो उस वक़्त उनका दांत से काटने का अमल बड़ी हद तक फितरी है। जो छोटे बच्चे दूसरों को दांत से काटते हैं तो उसकी आम तौर पर वजह मायूसी, दबाव या फिर दांतों में ताकत की कमी का एहसास होता है। दांत से काटने की वजह से लोग जो रद्द अमल देते हैं उनसे बच्चों में ताकतवर होने का एहसास पैदा होता है। आपका बच्चा अपने तौर पर दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए जिन इब्तदाई तरीकों को इस्तेमाल करता है उनमें से मुँह के ज़रिए चीज़ों को परखना एक अहम तरीका है। इसलिए थोड़े अरसे बाद वो चीज़ों का तजर्बा दांतों या मसूड़ों में दबा कर भी करने लगेगा। कुछ बच्चे किसी समाजी सूरत हाल से परेशान होकर दांत से काटते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपने एहसासात का इजहार किस तरह करें। जो बच्चे इस उम्र तक नहीं पहुंचते अपनी बारी का इंतज़ार कर सकें या अपनी चीज़ें शेयर कर सकें वो अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए दीगर बच्चों को दांत से काटते हैं। छोटे बच्चे कभी कभार उस वक़्त दांत से काटते हैं जब वो उन बड़े बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं जिनका खेल या किसी दूसरी सरगर्मी पर कंट्रोल होता है। घर में सबसे छोटा बच्चा ही अक्सर दांत से काटने वाला इंसानी वजूद होता है, जहाँ उसके बड़े बहन भाई बड़ी आसानी से अपनी ज़रूरियात का इजहार कर पाते हैं। यूँ उन्हें जो चीज़ जितनी ज़्यादा चाहिए होती है अक्सर ज़्यादा मिल जाती है। वहीं ये दांत से काटने वाला नन्ना मुन्ना अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के मामले में खुद को कमज़ोर समझता है। बच्चे और बड़े साथ बैठे हों तो छोटा बच्चा दांत से काटने पर ये देखेगा कि दांत से काटने पर उसे तवज्जो मिलती है और अक्सर व बेशतर उसकी मर्ज़ी की चीज़ भी मिल जाती है। 12 से 35 माह की उम्र के दौरान आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा जद्दोजहद अपने एहसासात का इजहार सीखने में करनी पड़ती है। जबकि चंद बच्चे दांत से काटने के अमल को जज्बाती दबाव दूर करने के एक मैकेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं, इसलिए बच्चे अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते आया कि वो उदास हैं या उन्हें किसी बात का गुस्सा है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में वो आसपास मौजूद किसी नरम मुलायम बाजू पर दांतों से हमला कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी।